मैडम सामने मैडम 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 जरा सामने देखिएगा अरे मैडम सामने जरा थोड़ा पीछे हो भैया थोड़ा पीछे आप लोग जागरूकता के लिए हमेशा से प्रयास कर रही है और बहन मायावती जी के साथ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि महिला संगोष्ठी विचार संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है तो हमको अपनी महिलाओं की शक्ति को पहचानना है और एक होकर मेरा मकसद यही है मैं हम इसी मिशन में निकले हैं कि 2022 में भारी बहुमत के साथ अपनी बहन कुमारी मायावती जी को जिताकर उनको पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाने का उद्देश्य। अच्छा महिलाओं को अब ये पहला आज कार्यक्रम है, आगे भी ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे महिलाओं को शायद आपको पता नहीं है, पहला नहीं शायद पांचवा प्रोग्राम है। नहीं प्रयागराज में तो ये पहला है, प्रयागराज में ये दूसरा जी, आगे भी कार्यक्रम रहेगा प्रयागराज के अलावा और जगह होंगे। 18 मंडल हमको अभी दिए गए हैं, उसके बाद जिले वाइज चलेंगे। योगी सरकार खाली ब्राह्मण वर्ग के या जो नहीं सर्व समाज सब लोग बैठे यहाँ पर सर्व समाज इसका प्रबुद्ध नाम का है देखिए ऐसा की कार्यक्रम हमारा है, आप लोग का आदेश हुआ कि पहले आपको जवाब दे दिया, आपको जवाब दे दिया और किसी को पूछना है। 4.5 साल योगी सरकार के हुए हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं योगी सरकार की वो अभी आप हमको सुनेंगे तो आप खुद जान जाएंगे, आप जैसा इसको करना चाहें वैसे आप उसको प्रेजेंट करेंगे। महिलाओं को कितने सीट मिल रही है, बीएसपी सीटें पर लड़ा रही है अभी फ्यूचर हम क्या बता दें, आप लोग सब जुड़िए, महिलाएं जुड़ जाएं, समय आने पे सभी चीजें निर्धारित होंगी, समय आने पे आपको सब पता लग जाएगा। जरूरत क्या पड़ी है महिला संगोष्ठी की, जरूरत जरूरत भाई जैसा आपसे कहा गया महिला शक्ति अलग है और वो 50% है, अगर वो नहीं जुड़ेगी तो आप 100% कैसे कलाएंगे आप खुद बताइए। योगी सरकार में महिला असुरक्षित है, मतलब बहुत असुरक्षित है उसके आपने बहुत सारे कांड देखे होंगे समझे होंगे और आपको पता होगा कि कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं। मायावती जी खुद महिलाओं क्या कहना चाहते हैं प्रदेश में इस समय 5 साल सपा सरकार में और 4.5 साल की भाजपा सरकार में महिलाओं का बहुत उत्पीड़न हुआ है, हाथरस कांड जैसे बहुत से कांड पर प्रतिदिन हो रहे हैं, उस सब को दूर करने के लिए फिर से एक बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने की ज़रूरत है, महिलाओं की ये मांग है, उसी पे हम लोग मिशन को आगे लेके निकले हैं और प्रबुद्ध महिला वर्ग का सम्मेलन हम लोग करा रहे हैं, इस सम्मेलन के माध्यम से महिलाओं को हम जोड़ेंगे, महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को दूर करेंगे, साथ ही महंगाई भ्रष्टाचार को दूर करने में एक ही रास्ता है कि बहन जी की सरकार बने जिससे कानून से कानून का राज आए। कौन आया हुआ है, किसकी अगुवाई में ये पूरा आयोजन? ये माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी की मैडम श्रीमती कल्पना मिश्रा जी का ये कार्यक्रम है, ये 5वां कार्यक्रम है प्रयागराज में और इस तरह हम लोगों ने मंडल के 18 मंडलों में हम लोग ये सब ले जाएंगे और धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैलाएंगे, महिलाओं को जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि आपकी शक्ति बहुत है, एक वोट की बहुत कीमत है और महिलाओं का वोट बहन जी के साथ। ठीक।